शिवाय। वैशाख मास की अमावस्या की आज उदय तिथि है, या यूं कहें कि सोमवती अमावस्या है। चंद्रमा आज अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, नम्र स्वभाव वाले, सत्यवादी, धनी और भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातक ईश्वर भक्त, बुद्धिमत्तापूर्ण काम करने वाले, आभूषणों और रत्नों के प्रेमी और चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी और परिवर्तनशील विचारधारा वाले होते हैं और ज्योतिष में रुचि रखने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, केतु और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि में ही चलते रहेंगे। ऐसे जातकों की 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी चाहिए। आज सोमवती अमावस्या है। भगवान विष्णु की प्रतिमा पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित कर विधि विधान से पूजन अर्चना करनी चाहिए। अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ शिवलिंग का अभिषेक करना भी उत्तम फलदायी होता है। आज हम दैनिक राशिफल की चर्चा करने के बाद तुला राशि के जातकों के अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता के लिए कुछ विशेष उपाय की चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से सुने, नोट कर लें और इस पर अमल कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास होगा। अमावस्या का पूरा असर आपके शारीरिक और मानसिक स्तर पर पड़ेगा। साथ ही साथ चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए मानसिक व्यग्रता, हर काम करने के प्रति जल्दबाजी और स्वभाव में उग्रता संभावित है। देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को संयमित करें, ऊर्जावान बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बरकरार रहेगी। नई कार्य योजनाओं का प्रस्ताव विकसित करने में मदद मिलेगी और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। अपने सामान के प्रति सावधानी बनाए रखें, गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिल सकती है, अपने प्रयास जारी रखें। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। आँखों की एलर्जी व हड्डी से संबंधित समस्याएं संभावित हैं। विशेष तौर से घुटने को लेकर दिक्कत बढ़ सकती है। हालांकि आपकी कार्य योजनाएं पूर्ववत चलती रहेंगी और नई कार्य योजना के लिए आपकी तत्परता और क्रियाशीलता बरकरार रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर निजी सुख संसाधनों पर आज खर्च की स्थिति बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और अचानक छोटी यात्रा का योग बनता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मन मुताबिक रहेगा। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और उसको आप सरलता से संपन्न भी कर सकते हैं। सफलता के शिखर तक पहुंचने में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और पारिवारिक प्रेरणा सकारात्मक रूप से मिलती रहेगी। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, जिसमें आपके बुद्धि कौशल का निवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संतान संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति होगी और आपका ऊर्जा स्तर बरकरार रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का दिन उत्तम है। पूरे दिन सम्मानजनक स्थिति बनी रहेगी और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए व्यवसाय संबंधी मामलों में पूरी तरह से सफलता का संकेत मिलता है। आपकी कार्य योजनाएं मन मुताबिक ढंग से पूरी होंगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विभागीय कर्मचारियों का अधिकारियों से सहयोग का रवैया कायम रहेगा और लाभ की उम्मीद बनी रहेगी, मगर अधीनस्थ कर्मचारियों से अच्छे से पेश आना चाहिए। विरोधात्मक रवैया संभावित है। आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, मगर संतान संबंधी चिंता मन में लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें खत्म होंगी और काम करने में मन लगेगा। आपके आत्मविश्वास और सक्रियता में सुधार होगा और कार्य योजनाओं में गति आएगी।
शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है, मगर आपका संकोची स्वभाव क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास जारी रखें। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं, उचित चिकित्सकीय दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आपकी सक्रियता प्रभावित हो सकती है और आत्मविश्वास और सक्रियता में उतार चढ़ाव संभावित है। साझेदारी के कामों में मन कम लगेगा और संबंधित मामलों में यात्रा का संकेत मिलता है। मन के नकारात्मक विचारों को बाहर करते हुए सार्थक प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों के लिए अच्छे समय का संकेत मिलता है। मानसिक और शारीरिक स्तर की ऊर्जा बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक पहल जारी रहेगी और नई कार्य योजनाओं को लागू करने में सफल रहेंगे। हालांकि कुछ कामों में रुकावट की संभावना बनती है, मगर अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में सावधानी बरकरार रखें। कार्य क्षेत्र की गति प्रभावित हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा और सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा स्तर प्रभावित हो सकता है। नई कार्य योजनाओं के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के प्रभावित होने का संकेत मिलता है। हालांकि शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। रुके हुए काम संपन्न हो सकते हैं। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। वित्तीय संकट की संभावना बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। धनु राशि वाले जातकों के कामों में आ रही रुकावट को खत्म करने की मानसिकता, उत्साह में पैदा होने वाली कमी को सुधारने की प्रवृत्ति और साथ ही साथ सरकारी कामकाज के निपटाने की कोशिश बनी रहेगी। हालांकि आपके भाग्य भाव के स्वामी सूर्य उच्च के हो गए हैं, अतः भाग्यवश काम अच्छे होंगे और मन मुताबिक होंगे। नई कार्य योजनाओं को लागू करने में सफल रहेंगे और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी बरकरार रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का संकेत मिलता है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। नसों से संबंधित और पेट से संबंधित समस्याएं संभावित हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों के निस्तारण की प्रवृत्ति, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आवश्यक दिशा निर्देश के अनुपालन की मानसिकता और साथ ही साथ निजी मामलों के संदर्भ में आर्थिक निवेश की सोच आज बनी रहेगी। हालांकि कार्य योजनाओं में सार्थक प्रयास एक जुनून के रूप में जारी रहेगा। पारिवारिक सुख संतुष्टि और भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से निवेश की मनोवृत्ति पैदा होगी, मगर तात्कालिक आर्थिक लाभ सामान्य बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम बढ़ाने वाला होगा, मगर तर्क वितर्क करने की मनोवृत्ति बनी रहेगी। मन का अंतर्द्वंद आपकी कार्य क्षमता और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। बड़े बुजुर्गों का सहयोग और उनकी प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मन एक अज्ञात भय से ग्रस्त रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत और अभ्यास महत्वपूर्ण होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए हर कामों में अति आत्मविश्वास की भावना बनी रहेगी।
और विश्वासघात का संकेत मिलता है। हालांकि कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय सोच समझकर सावधानी से लेने चाहिए। अमावस्या का असर आपके ऊपर भी जारी है, जिससे कार्य क्षेत्र के प्रति संजीदगी और आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों को अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलता के लिए ये उपाय करने चाहिए। यदि आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता हो, जीवन में संघर्ष की स्थिति है, तो जीवन में अनुकूलता के लिए सूखा नारियल स्वच्छ जल में 6 शुक्रवार को लगातार एक ही स्थान पर प्रवाहित करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, तो प्रतिदिन गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए तथा 7 अनाज मिलाकर पक्षियों को चुनने हेतु डालने चाहिए। यदि दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा हो, तो कुएं में दूध गिराना चाहिए और अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। शेयर इत्यादि में अकस्मात लाभ के लिए जौ को दूध में भिगोकर भूमि में दबाना चाहिए। संतान सुख के लिए तांबे की वस्तुएं किसी धार्मिक स्थल में दान स्वरूप देनी चाहिए। दाम्पत्य सुख के लिए 2 सूखे नारियल बहते हुए स्वच्छ जल में प्रवाहित करने चाहिए। यह प्रयोग 6 शुक्रवार तक लगातार एक ही स्थान पर करना चाहिए। जीवन में अकस्मात और बार बार आने वाली मुसीबतों को समाप्त करने और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए जब भी किसी नदी पर से गुजरें अथवा जल यात्रा का अवसर प्राप्त हो, तो पानी में कुछ पैसे डाल देने चाहिए। घर में पड़ी निरुपयोगी यांत्रिक वस्तुएं जैसे घड़ी, कैलकुलेटर, कंप्यूटर इत्यादि को सही करा लें या उन्हें हटा देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।